मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बेटी की अस्मत को दरिंदों ने लूट लिया है। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के भाई पर हमला कर 3 बदमाशों ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर झिरनिया थाना क्षेत्र के दिलीप जायसवाल के खेत की रखवाली कर रहे 16 वर्षीय किशोरी और उसके भाई की झोपड़ी पर आधी रात के बाद कुछ बदमाश पानी पीने आए। पानी पीकर जाने के 10 मिनट बाद लौटे और किशोरी उसके भाई के साथ मारपीट कर नाबालिग को उठाकर ले गए। लड़की के साथ 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया और लड़की को सड़क पर फेंक कर चले गए। किशोरी का भाई किसी तरह गांव तक पहुंचा और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण पहुंचे तब तक आरोपी फरार हो गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये रात में एक घटना हुई थी जिसकी जानकारी जब पुलिस को प्राप्त हुई उसमें बताया गया है कि एक नाबालिग बच्ची थी, वो अपने भाई के साथ अपना टापरी में रह रही थी। तो रात में उसका कहना है कि 3 लोग आए और उसके भाई पे पहले डंडा मारा, तो भाई वहाँ से निकल गया और मदद लेने के लिए, और उसके बाद जो उसने बताया कि 3 लोग उसको खेत में ले गए, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको लेके वापस मेन रोड पे लाके वहाँ पे छोड़ के जब वो भाग रहे थे तो तब तक उसका भाई जो गांव से कुछ मदद लेके आया तो उन लोगों ने उनका पीछा किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।